हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धन संबंधी जो परिभाषाएं होती हैं, यानी वेल्थ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उनका हम क्रिटिसिज्म आलोचना किस आधार पर कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने धन संबंधी परिभाषाओं की जो विशेषताएँ होती हैं उन पर बात की थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषाएँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि इसमें मनुष्य धन के लिए है ऐसा मान लिया गया था, बजाय इसके कि धन मनुष्य के लिए है। इकोनॉमिक मैन यानी कि ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर दी की गई थी जो आर्थिक मनुष्य है, केवल उसको अर्थ कमाना है। यहाँ अर्थ का मतलब धन से है, संपत्ति कमाना है, उस पर ही जीना है। अच्छा हुआ तब तक ये नहीं हो गया था कि धन को खाना भी है, ऐसा नहीं हो गया वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाती, वो धन को भी खाने लगते। इसको छोड़ करके वो धन के लिए ना जाने क्या क्या करने लगे थे एडम स्मिथ और उनके साथ में वॉकर वगैरह जो जेस मिल हो गए, ये जो परिभाषाएं देने वाले थे। सबसे पहले जो आलोचना की जाती है वो भौतिकवाद की प्रधानता की पर आलोचना की जाती है। भौतिकवाद की प्रधानता मतलब मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है। तो आलोचकों का कहना है कि जो धन संबंधी परिभाषा के कारण हुआ क्या है, अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो पूर्णतः भौतिकवादी हो गया है। ठीक है, केवल भौतिकवादी हो गया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या गुड्स ही इसमें होते हैं? क्या हमें भौतिकवादी ही बन जाना चाहिए? सर्विसेज भी तो कुछ चीज़ होती हैं, हम सेवाएं भी प्रदान करते हैं, चाहे वो डॉक्टर की सेवाएं हों, वकील की सेवाएं हों, या अध्यापक के अध्यापन संबंधी सेवाएं हों, ये भी तो सेवाएं ज़रूरी हैं। तो भौतिकवाद को प्रधानता इतनी ज़्यादा दे देना गलत था, इसलिए ये भी एक आधार है आलोचकों द्वारा आलोचना करने का। दूसरा है धन संग्रह को प्रमुख स्थान, यानी कि मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल्थ। इससे हुआ क्या, वहाँ तब तक जब ये लोग परिभाषाएं दिए थे ना, तो उस वक्त एक बहुत ही फेमस कहावत हो गई थी कि वेल्थ फॉर मैन, मतलब जो धन है वो व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धन के लिए है, मतलब मैन फॉर वेल्थ, ये बोलना जाने लगा था। इससे हुआ क्या, यूरोप में आर्थिक शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन होना प्रारंभ हो गया। लोग धन के लिए ना जाने क्या क्या करने लगे, लोगों को सताने लगे, धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए खेती करवाने लगे, और क्या हुआ, फैक्ट्रीज़ में काम करवाने लगे, ज़बरदस्ती काम करवाने लगे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा। यहाँ तक ये आलोचकों के द्वारा ये भी कहा जाने लगा कि जो अर्थशास्त्र है वो कुबेर की पूजा का शास्त्र है, यानी कि गॉस्पेल ऑफ मैमन। इसके साथ ही आलोचकों का कहना था दुखदायी शास्त्र भी है, यानी रोटी मक्खन का शास्त्र, ब्रेड एंड बटर साइंस भी हो गया है। और तो और कई आलोचकों ने तो अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान यानी डिसमल साइंस भी कह डाला। आप समझ सकते हैं बहुत आलोचना की जाने लगी। इसी पे एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था रस्किन, उन्होंने कहा राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान सबसे अधिक विचित्र और सबसे कम विश्वसनीय है। किस वजह से? केवल भौतिकवाद की वजह से, केवल धन संबंधी परिभाषा देने की वजह से ऐसा हो गया। आगे हम बात करते हैं आर्थिक मनुष्य की कल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में बात की थी जो अर्थ संबंधी एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी और उनके समर्थकों ने भी परिभाषा जो दी थी उसमें इकोनॉमिक मैन यानी कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर दी गई थी। आदमी को केवल पैसे कमाना है, पैसे से बहुत सारी चीज़ें करना है, सुख सुविधा भौतिकवाद पर आधारित हो गया था। लेकिन क्यों नहीं हमें वास्तविक मनुष्य यानी कि रियल मैन की कल्पना की जानी चाहिए? हम रियल मैन की अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? इसमें बिल्कुल की जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर अभी बात की, सर्विसेज भी तो कोई चीज़ होती है, देश प्रेम भी तो कोई चीज़ होता है, विश्व बंधुत्व भी कोई चीज़ होती है, दया भी तो कोई चीज़ होती है, हम जो समाज में रहते हैं समाज भी तो कोई चीज़ होती है। तो इकोनॉमिक मैन केवल बना देना ये गलत है। इसकी जगह पे सबसे अच्छा जो शब्द मेरे हिसाब से हो सकता है वो वास्तविक मैन यानी कि रियल मैन, ये ज़्यादा शब्द सूट करता है। आगे हम देखते हैं चौथी जो है वो धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना, यानी कि नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का नैरो मीनिंग कर लिया गया। आलोचकों का कहना है कि केवल धन संबंधी जो क्रियाएं हैं इसकी वजह से क्या होता है, अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है ना बहुत सीमित हो जाता है। अब जब सर्विसेज को आप लोगे नहीं और भी एस्पेक्ट्स को लोगे नहीं तो अर्थशास्त्र ना 50 से 60 या 100 या 150 पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। उसका क्या मतलब रह जाएगा, अर्थशास्त्र का कोई व्यावहारिक प्रयोग रह ही नहीं जाएगा, उसकी उपयोगिता बहुत सीमित रह जाएगी। इसीलिए हुआ क्या, 19th century के लास्ट तक यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक हुआ क्या, अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं बिल्कुल समाप्त हो गई, परित्याग कर दी गई। इसका बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि उसके बाद हम आगे वीडियो में बात करेंगे, एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका प्रकाशन 1819 में हुआ था और इसके लेखक आप जानते हैं बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं दी ना, वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी वजह से इसका परित्याग कर ही दिया गया। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक, वही मतलब 1890 95 या 1900 ईस्वी शुरू होने से पहले तक
खत्म कर दिया गया। इसका रीजन एक भी था, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब आई, 1890। ये वही समय है जो 1919वीं शताब्दी का अंत का समय है, ठीक है, और इसी समय धन संबंधी परिभाषा का त्याग कर दिया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोफेसर मार्शल ने दी, और इसके साथ ही प्रोफेसर मार्शल के बहुत बड़े विद्यार्थी थे, आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, मैं बोलूँगा, उनका नाम था प्रोफेसर AC पीगू, ठीक है, वो प्रोफेसर मार्शल के शिष्य ही थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।